हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा तरह बचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्लम्बर, क्योंकि प्लम्बर के साथ मैंने आज तक वेंट फोड़ करके एक भी इम्पोस्टर को किल नहीं करा है। तो आज मैं प्लम्बर के साथ इवेंट के अंदर एक इम्पोस्टर को किल करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो यहाँ पर मैं बन चुका हूँ प्लम्बर और गेम स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये क्या भाई, गेम में तो ब्लैक जैक है और वो भी एक नहीं दो ब्लैक जैक, मतलब मुझे काफी संभल के खेलना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है और जो इम्पोस्टर है उसने यहाँ पर कैफे का गेट बंद कर दिया। लेकिन मुझे एक बात पता है कि कैफे का गेट जैसे खुलेगा इम्पोस्टर यहाँ पर लाइटे का सबोटाइज देने वाला है। देखा था आप लोगों ने, मुझे पहले पता था। मैं फटाफट से भागता हूँ सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी में संबंधों पर नजर रखने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा इवेंट फोड़ने वाला ऑप्शन जब आएगा मैं फटाफट से सिक्योरिटी का वेंट फोड़ दूंगा। लेकिन नहीं क्या भाई, मैडवे के बारे किल भी हो गया, मतलब यार इंपोस्टर का बच्चा तो बड़ा तेज है। लेकिन मैंने यहाँ पर चेक करा था कि गेम में डॉक्टर भी है, तो फटाफट से डॉक्टर आए, इस बात का मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर वेंट फोड़ने वाला ऑप्शन मेरा एक्टिव हो चुका है, मैं फटाफट से यहाँ पर सिक्योरिटी का वेंट फोड़ देता हूँ। लेकिन भाई कोई तो किल हुआ ही नहीं। ओके यहाँ पर रेड आ चुका है, साथ से रेड डॉक्टर है, तो फटाफट से डॉक्टर साहब आप बॉडी को जिंदा कर दीजिए, हम आप पर नजर रख रहे हैं पूरी पूरी। लेकिन ये क्या भाई, मैडवे का गेट तो बंद था, लेकिन ये गार्नेट रेड का बच्चा मैडवे के अंदर फंसा कैसे? ओके अब ये क्या, गार्नेट रेड ने तो रेड को भी किल कर दिया। इसका मतलब ये गार्नेट रेड का बच्चा तो इंपोस्टर निकला। तो मैं फटाफट से बुलाता हूँ मीटिंग, क्योंकि यहाँ पर गेम में दो ब्लैक जैक होगा, रेड हमारा ब्लैक जैक तो पकड़ा गया। तो देखिए यहाँ पर मैं मीटिंग में क्या बोलता हूँ। वाह भाई वाह, मतलब सामने सामने भाई किल करोगे, ऐसे किल करोगे यार, मतलब कुछ भी, सारे के सारे गार्नेट रेड को वोट करो, गार्नेट रेड तुम्हारा ब्लैक जैक है, ठीक है? सारे के सारे गार्नेट रेड को वोट कर दो, गार्नेट रेड तुम्हारा ब्लैक जैक है। इस बंदे ने मैडबे के बाहर दो बंदे को किल करा, ठीक है, और फिर भी ये सोच रहा है कि ये बच जाएगा। मतलब भाई सीसीटीवी का कैमरा ऑन रहता है, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया करो सीसीटीवी की लाइटें, ठीक है। सारे के सारे गार्नेट रेड को वोट करो, गार्नेट रेड ब्लैक जैक है, ठीक है, येलो फैंटम वगैरह जोकर वगैरह, ठीक है, सारे के सारे गार्नेट रेड को वोट करो। अभी देखो मैं इन सारे बंदों को पूरी बात बता देता हूँ अच्छे से, कि जो गार्नेट रेड है उसने मैडबे के बाहर से ऐसे दो किल करा है, तो फटाफट से गार्नेट रेड को वोट करके निकाल दो, क्योंकि वो ब्लैक जैक है। लेकिन यहाँ पर येलो का बच्चा बोलता है कि ये सेल्फ रिपोर्ट है, तो मैं समझ जाता हूँ कि जो येलो है वो पक्का से जोकर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि येलो जोकर है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, सारे के सारे गार्नेट रेड को वोट करके मीटिंग में निकाल दो। लेकिन यहाँ पर गार्नेट रेड जाने से पहले चैट में बोलता है कि वो हमारा हिप्नोटिस्ट। लेकिन भाई झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, मुझे पहले से पता है कि तुम ब्लैक जैक हो और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखा आप लोगों ने, बेचारे गार्नेट रेड ने यहाँ पर किसी बंदे का गलत रोल गेस करके खुद किल हो गया। देखा आप लोगों ने, अभी एक इंपोस्टर तो डाउन हो गया, पर अभी एक ब्लैक जैक और एक हिप्नोटिस्ट और बचा हुआ है, जिसे हम लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग मीटिंग करने वाले एस्केप, क्योंकि जो गार्नेट रेड जो हमारा ब्लैक जैक था वो तो किल हो चुका है ना। तो अभी के लिए मीटिंग तो स्किप हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो पर्पल है उसने बोला है कि वो है डॉक्टर, पर अगर वो रियल का डॉक्टर है तो उसको पता होना चाहिए यार कि मैडबे के बारे बॉडी थी, उसे आकर के आराम से बॉडी को जिंदा करना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्पल है उसने अपने यहाँ पर झूठ मूठ का रोल बताया है, ताकि जो ब्लैक जैक है उसको पर्पल का रियल रोल ना पता चले। तो फिलहाल अभी के लिए मीटिंग हो चुकी है, स्किप गेम हो चुकी है, फिर स्टार्ट। ऑरेंज यहाँ पर मेरा पीछा कर रहा होता है, और ऑरेंज ने मीटिंग में बोला था कि वो मेरे से टीम अप करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज ऐसे अपनी यूट्यूब फैमिली का मेंबर है, पर मैं श्योर बिल्कुल नहीं हूँ। और देखो यार, वैसे भी गेम में हिप्नोटिस्ट है, तो मेरे को अभी मिनियन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार मिनियन बन चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पर चुपचाप कल्टी मार लेता हूं और इंपोस्टर यहाँ पर लाइटे गायब कर देता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से भागता हूँ मैडवे के अंदर, मेरा यहाँ पर वेंट फोड़ने वाला एक्टिव होने वाला था, तो मैं इसी के साथ मैडवे का भी वेंट फोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी का वेंट ऑलरेडी फोड़ा हुआ है। ओके यहाँ पर जो पिंक है वो कैफे की तरफ भाग रहा होता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पिंक का पीछा करा जाता है। यहाँ पर मैं पिंक को फॉलो करने के लिए जाता हूँ, पिंक आता है, पिंक भी मुझसे डर करके भाग जाता है। तो यहाँ पर मैं पिंक को फॉलो करता हूँ, और मैं एक बात समझ चुका हूँ कि जो पिंक है वो 100% सेफ है, पिंक यहाँ पर इंपोस्टर है, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, वो एक स्पेस क्रू है। तो मैं फटाफट से बुलाता हूँ मीटिंग, और देखिए फिर मैं मीटिंग में क्या बोलता हूँ। एक बात बताओ, किसी के पास मैडबे स्कैन वेपन्स वाला या कचरा वाला टास्क है किसी के बंदे के पास है? देखो पिंक तो सेफ लग रहा है मुझे, ठीक है, वो मुझसे डर के भाग रहा था। एक बात बताओ, किसी के पास कोई कचरा वाला है, कोई भी विजुअल टास्क है ये बता। अरे बोल भाई, किसी के पास है या फिर नहीं है? और सुनो ऑरेंज, तुम थोड़ा दूर दूर रहो, ठीक है, गेम में हिप्नोटिस भी है इसलिए सारे बंदे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। और गेम में डॉक्टर नहीं है तो बॉडी मिले तो बॉडी रिपोर्ट कर देना, ठीक है। किसी के पास विजुअल? ओके मैडबे, ठीक है, मैडबे स्कैन दिखा दो और फिर ऑरेंज मेरे साथ रहना, ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, अगर से किसी को कोई डेड बॉडी मिली तो मेरे को पता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, उसको जिंदा कर दूंगा, ठीक है।
अभी देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया हो तो जो पर्पल था उसने बोला था कि वो डॉक्टर है और अगर बॉडी मिले तो रिपोर्ट मत करना, तो यहाँ पर मुझे पर्पल पर पूरा शक हो जाता है क्योंकि गेम में ब्लैक जैक भी है लेकिन ये बंदा खुला अपना रोल बता रहा होता है। और ऊपर से भाई अगर ये डॉक्टर है तो मेट बी के बाहर दो किल हुए थे, इसको अभी तक एक बी आर ओ क्यों नहीं आया था। और ऊपर से यहाँ पर मुझे पता है कि जो येलो है वो पक्का से जोकर है, तो यहाँ पर मैं पर्पल को निकालने का रिस्क बिल्कुल लेने वाला हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला है कि पर्पल को वोट करके निकाल दो, अगर वो स्पेस क्रू भी हुआ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पर्पल अगर डॉक्टर है तो भाई उसे बॉडी को रिवाइव करना चाहिए था जो कि गेम के स्टार्टिंग में किल हुई थी। इसलिए हम लोग यहाँ पर पर्पल को वोट करके मीटिंग में निकाल देते हैं। और ये एक्सपर्ट मैच बिल्कुल नहीं है तो पर्पल का रोल हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पर्पल क्या था। अभी ये क्या, पर्पल तो हमारा रियल का स्पेस क्रू था। मतलब यार पर्पल को निकाल करके मुझसे यहाँ पर छोटी सी गलती तो जरूर हुई थी, तो अब मेरी इस गलती को सुधारने के लिए मैं ये गेम स्पेस क्रू को जरूर जीतवाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। इंपोस्टर ने फिर से कैफे का गेट बंद कर दिया और जो ऑरेंज है उसने बोला कि उसके पास मैडवेस कैन है, तो सिंपल सी बात है हम ऑरेंज का मैडवेस कैन देखने के लिए ऑरेंज के साथ जाने वाले हैं। और वैसे भी देखो यार इस मीटिंग में सारे के सारे बंदे शांति से बैठे हुए थे, कोई ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन लास्ट यही बचता है कि हम फटाफट से यहाँ पर विजन के पास विजुअल टास्क है, उनका विजुअल टास्क देख ले ताकि वो बंदे सेफ हो जाए क्योंकि गेम में ब्लैक जैक है तो कोई बंदा अपना रोल भी नहीं बोलने वाला। तो फिलहाल यहाँ पर ऑरेंज ने मुझे अपना मैडवेस कैन दिखा दिया है, तो ऑरेंज हमारा सेफ हो चुका है। और यहाँ पर जो बगल में मैडवे का वेंट फूटा हुआ है वो वेंट मैंने फोड़ा, मैं ये बात कैसे ऑरेंज को बताऊं, पर चलो कोई नहीं। और वैसे भी देखो यार अगर गेम में काफी खतरनाक इंपोस्टर रोल आए हो तो आप एक सेफ बंदा पकड़िए और उसी के साथ रहिए, इससे आप भी सेफ रहेंगे और वो भी सेफ रहेगा। तो मैं फटाफट से जाता हूँ सिक्योरिटी में, मेरा वेंट फोड़ने वाला एक्टिव है तो मैं फटाफट से सिक्योरिटी का वेंट फोड़ देता हूँ। लेकिन ये क्या, अरे बाप रे बाप, मतलब ये इंपोस्टर का बच्चा वेंट के अंदर छुपा हुआ था जिसके हमने वेंट फोड़ करके खोपड़ी खोल दी, मतलब क्या ही कमाल की बात है यार। और यार ये गेम तो इतनी जल्दी खत्म हो गई, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, तो इसी के साथ हमारा प्लम्बर का गेम प्ले हो चुका है सक्सेसफुल और हमें मिल चुकी है जीत, साथ में MVP जिसका सभी को इंतजार रहता है। और जैसा कि मैंने गेम के स्टार्टिंग में बोला था, मैंने यहाँ पर एक इंपोस्टर को वेंट में फोड़ करके किल कर ही दिया। तो चलिए फटाफट से जाने से पहले बंदों के रोल चेक कर ले जाए क्योंकि बिना रोल चेक करे जाना इज नॉट गुड मेरे भाई। ओके, तो जो गार्नेटेड था वो हमारा इंपोस्टर था जिसको हम लोगों ने पहले मीटिंग में निकलवाया था, और जो व्हाइट था जिसको हम लोगों ने अभी भी वेंट फोड़ा था, जो वेंट फोड़ करके किल हो गया था, वो था हमारा दूसरा इंपोस्टर। मतलब दोनों ब्लैक जैक को मैंने क्या ही पकड़ा यार। और जो येलो था वो था हमारा इस गेम का जोकर जो कि मुझे गेम के स्टार्टिंग से ही लग रहा था, और जो ब्राउन था वो था हमारा इस गेम का हिप्नोटिस्ट जिसको साथ से एक इंपोस्टर लोगों ने किल कर दिया था। और हमारे ऑरेंज भैया जिसके पास मैडवेस कैन था वो था हमारे इस गेम के शेरिफ, मतलब क्या ही कमाल की बात है यार। पिंक था हमारे गेम का हंटर, पर्पल था रियल का डॉक्टर, और बाकी रोल्स आप देख ही सकते हैं। तो इसके साथ हमारी आज की गेम प्ले हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, तब तक हम आपसे मिलेंगे सुपर सस्के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और यार जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप लोग ये गेम खेलो और आप लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन है छोटी से छोटी तो आप लोग माइक ऑन करके बोलने की ट्राई करा करो, इससे सामने वाले को भी मजा आएगा और आपको भी बिल्कुल मजा आएगा। और ऊपर से बोलने से आप लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सामने वाले को भी आप पर कुछ भरोसा होगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।